आखिरकार यूजी वर्सेस सुकुना शुरू हो चुका है। फाइनली गेगे ने अपने चैप्टर 244 में केंजागु से हटके फिर से यूजी हिगुरुमा वर्सेस सुकुना की फाइट पर वापसी करी है, लेकिन इससे पहले इनके बीच में फाइट शुरू हो हमें लेकर जाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि केंजागु और सुकुना के अगेंस्ट एक प्लानिंग प्लॉटिंग की जा रही है कि अगर गोजो वर्सेस सुकुना में गोजो मारा गया तो हमें क्या करना चाहिए। मतलब ये जितनी भी प्लानिंग हो रही थी ये सुकुना वर्सेस गोजो के दौरान ही हो रही थी, जिसमें सबसे पहले ये डिस्कस किया जाता है कि कैसे केंजागु को किसी भी तरह डिस्ट्रैक्ट करके हम यूटा के थ्रू उसे मरवा देंगे। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए केंजागु के अगेंस्ट में ताकाबा को भेजा जाता है, जहाँ पर ताकाबा अपनी कर्स्ड एनर्जी यानी कॉमेडियन के थ्रू केंजागु को फंसा लेता है और जैसे ही वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अपने गार्ड डाउन कर देता है, यूटा को मौका मिलते ही केंजागु पर वो हमला करके उसे मार देता है। अब यहाँ पर केंजागु वाकई मारा जा चुका है या नहीं अभी ये चीज कहना सही नहीं होगा, क्योंकि गेगे यहाँ पर क्या कर दे किसी को कोई भरोसा नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज के बारे में हमें और बताया जाता है कि जो मीवा है उसने अपने कटाना का यूज करने से मना कर दिया है। दरअसल ये बात जबकि जब मीवा शिबुआ इंसिडेंट के दौरान केंजागु से फाइट कर रही थी तो उसने एक बाउंडिंग वाओ बनाया था अपने खुद के साथ कि अगर वो उसे वन शॉट में खत्म नहीं करती है तो वो कभी भी अपने वेपन्स को यूज नहीं करने वाली है। कुसाकाबे जो इस प्लानिंग को लीड कर रहा होता है वो ये सबसे कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है, अगर जिस किसी को भी मरने से डर नहीं लगता है वो तभी इस फाइट में आगे आएगा, वरना वो पीछे होकर बैक सपोर्ट देगा। ऐसे में कामो उठकर कहता है कि तुम लोगों को अगर लड़ना हो तो तुम लड़के मर सकते हो, लेकिन मुझे इस जानलेवा लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना है, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ इस देश को छोड़कर चले जाऊंगा। उधर से काशिमो की शायद रात की उतरी नहीं थी, इसलिए वो ये कह देता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं सुकुना से नहीं जीत सकता हूँ। जिस पर हकारी ये कहता है कि भैया हमें सिक्के के दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, हमें वो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ती है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। अब ये सुनकर मुझे थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाती है, क्योंकि काशिमो जो कि ये कह रहा है कि वो सुकुना को हरा देगा, मांगा में वो दो चैप्टर भी ढंग से नहीं टिका है। लेकिन अगर यहाँ पर काशिमो भी मारा जाता है तो अब इस फाइट में हिगुरुमा उतरेगा अपने डोमेन एक्सपेंशन के साथ जिसका नाम है डेथ सेंटेंसिंग, और अपनी डेथ सेंटेंसिंग से सुकुना को किसी भी तरह 100% डेथ पेनल्टी दिलाने की कोशिश करेगा। और अगर सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो अपनी एग्जीक्यूशनल शॉट से सुकुना को एक ही बार में खत्म कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिगुरुमा का जज के फैसले पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। अब वैसे तो सुकुना की क्राइम की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, इतादोरी की बॉडी को कंट्रोल करने से लेकर शिबुआ इंसिडेंट में मास मर्डर करने तक, जिसमें छोटे बड़े सारे ही क्राइम आते हैं, लेकिन अब जजमेंट किस क्राइम पर क्या फैसला सुना दे ये हिगुरुमा खुद भी नहीं जानता है। क्योंकि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो सुकुना के अगेंस्ट में कॉन्सिफिकेशन वाली सजा सुनाई जाएगी या फिर उसे डेथ पेनल्टी मिलने वाली है। कॉन्सिफिकेशन में यह होगा कि सुकुना के पास जो भी कर्स्ड एनर्जी उनमें से कोई भी कर्स्ड एनर्जी उससे छीन ली जाएगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि सुकुना को इस चीज से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सुकुना के पास अपनी खुद की शक्तियां तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसके पास है 10 शेडोज की टेक्निक, जो कि कितनी ज्यादा पावरफुल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि उसे डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, लेकिन वो सारी चीजें जजमेंट पे डिपेंड करती है। मतलब कंक्लूजन ये है कि किसी भी तरह सुकुना को डेथ पेनल्टी मिल जाए। अब यहाँ पर यूजी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि उसके दिमाग में ऐसा प्लान है जो 100% सुकुना को डेथ पेनल्टी दिला सकता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म और हम चलते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर मेमे अपना क्रो भेजकर सुकुना को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिससे सुकुना डिस्ट्रैक्ट हो भी जाता है, जहाँ पर हिगुरुमा अपना हैमर थ्रो करके जमीन तोड़ देता है और उसी दौरान यूजी अपना पंच थ्रो करता है सुकुना पर, जिसे सुकुना भी एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल पंच थ्रो कर सकता है मेरी तरफ। अब यहाँ पर हिगुरुमा ओपन करता है अपना डेथ सेंटेंसिंग डोमेन एक्सपेंशन, जहाँ पर सुकुना के साथ यूजी इतादोरी भी मौजूद है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि कलिंग गेम के दौरान जब इतादोरी और हिगुरुमा फाइट कर रहे थे, जहाँ पर हिगुरुमा ने डेथ सेंटेंसिंग के थ्रू इतादोरी को फंसाया था, जहाँ पे उसने ये आरोप लगाया था कि इतादोरी यूजी ने शिबुआ इंसिडेंट में मास मर्डर किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतादोरी यूजी की बॉडी को सुकुना कंट्रोल कर रहा था और ये ट्रायल अभी तक खत्म नहीं हुआ था और इसी ट्रायल को फिर से शुरू किया गया है सुकुना के साथ। लेकिन हिगुरुमा यहाँ पर यूजी को डिफेंड कर देता है और वो बोलता है कि इस बंदे ने नहीं बल्कि सुकुना ने मास मर्डर किया था। अब यहाँ पर सुकुना स्माइल करता है और यहाँ पर चैप्टर क्लोज।
तो इस चैप्टर में काफी सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसके लिए एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि सुकुना को आखिर क्या सजा मिलने वाली है, या तो वो किसी भी तरह हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन से बाहर निकल जाएगा। कॉमेंट में बताइएगा दोस्तों आपको क्या लगता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आप इस चैनल पे नए आए हो। तो मैं मिलता हूँ किसी दिन और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।